सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूबर्स लाइफस्टाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रो कबड्डी लीग के सबसे यंगेस्ट कबड्डी प्लेयर के बारे में, जिनकी अग्रेसिव रेडिंग स्किल से वो पूरे प्रो कबड्डी लीग में जलवे दिखा रहे हैं। ये अपनी रेडिंग स्किल से अपने अपोनेंट के होश उड़ा देते हैं, और ये ऐसे कबड्डी प्लेयर है जिन्होंने 18 साल की उम्र में कबड्डी में अपना डेब्यूट किया है, और इतनी कम उम्र में इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो आपने जो भी इनके फैंस है वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इनका पूरा नाम सचिन सतीश तनवर है, और सब प्यार से सच्चू कहते हैं। इनका जन्म 19 जुलाई 1999 को अड़बर विलेज झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ, और फिलहाल वो हरियाणा में रहते हैं। इनकी उम्र फिलहाल 2021 के हिसाब से 22 साल है। पेशे से एक एथलीट और प्रो कबड्डी प्लेयर है। इनका एजुकेशन कुरुक्षेत्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट कर रहे थे, पर कबड्डी की वजह से इन्होंने बीच में ही एजुकेशन छोड़ दिया। इनके पिता एक फार्मर है, और इनके अंकल और बड़े भाई एक कबड्डी प्लेयर है। कबड्डी में इंटरेस्ट इनके अंकल की वजह से आया। 12 साल की उम्र में सचिन ने उनके अंकल के घर जाके कबड्डी सीखना शुरू किया। इनके अंकल के गाइडेंस और कहने पे इन्होंने कबड्डी पे फोकस दिया। इनके अंकल इन्हें फ्री टाइम में कबड्डी के नए नए पैतरे और मूव सिखाते गए। इन्होंने सचिन की रेडिंग स्किल्स को काफी बेहतरीन बनाया, और फिर इन्होंने हरियाणा कबड्डी प्लेयर के साथ कबड्डी खेलना शुरू किया। जनवरी 2018 में इन्होंने नेशनल ओपन जूनियर कॉम्पिटिशन में राजस्थान टीम की ओर से खेलने का मौका मिला, और फिलहाल ये प्रो कबड्डी के बेस्ट रेडर में से एक जाने जाते हैं। इनके खेल को देखकर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी गुजरात टीम के ओनर ने उन्हें 36 लाख में खरीदा था, जो कि उनके टीम के लिए सबसे महंगे प्लेयर बने। उन्होंने प्रो कबड्डी लीग में सीजन 5 में अपना डेब्यूट किया था। इन्हें उसी साल बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड भी मिला है, और बाद में वो सीजन 5, सीजन 6 और सीजन 7 भी गुजरात टीम की ओर से ही खेल रहे हैं। बात करें इनके फिजिकल स्टैट की, तो इनकी हाइट 5'11" और इनका वेट 68 kg है। इनके इंस्टाग्राम पे फरवरी 2022 के हिसाब से 60,000 फॉलोअर्स है। तो आप में से कौन कौन इनके फैंस है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।